नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इक्विटी बॉन्ड को फॉर्मेट या फिर उसमें से डाटा कैसे डिलीट करें उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपका कोई भी एरर, 1000 से एरर आता है मशीन में तो रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ता है। कुछ एरर को छोड़कर बाकी सभी में डाटा डिलीट करना पड़ता है, या फिर हम कहीं से पुरानी मशीन लेते हैं उसका डाटा डिलीट करना पड़ता है, या डाटा ओवर हो जाने की वजह से भी डाटा डिलीट करना पड़ता है। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपनी मशीन को ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप कोई भी पासवर्ड लगाएंगे, एडमिन या सुपरवाइज़र। पासवर्ड लगाने के बाद डाटा मैनेजमेंट में जाएंगे और उसमें नीचे आते जाएंगे और इसमें ऑप्शन है बैकअप एंड रिस्टोर का, और इसे उसके बाद कर देंगे फॉर्मेट एसडी कार्ड और अप एरो से कंफर्म कर देंगे ऊपर करने वाले तीर के निशान से। ये मशीन हमारी फॉर्मेट हो रही है दोस्तों। एच डी कार्ड ही फॉर्मेट होता है इसका, चाहूँगी सारा डाटा एच डी कार्ड में ही रहता है। इसके फॉर्मेट होने से इसमें कोई भी सेटिंग जो है इसकी वो चेंज नहीं होगी, जी पी आर सेटिंग चेंज हो जाएंगी और जी पी आर सेटिंग डिलीट हो जाएंगी और तुम्हारी वेंडर फाइल डिलीट हो जाएगी, जितना भी पुराना किसानों का रिकॉर्ड था वो डिलीट हो जाएगा, बाकी प्रिंटर वगैरह प्रिंटर की और उसकी तुम्हारी सेटिंग मशीन की कोई भी चेंज नहीं होगी। देखो हमारा एसडी कार्ड फॉर्मेट हो चुका है और मशीन में लिख के आ रहा प्लीज रीस्टार्ट द एनालाइजर। तो मशीन को बंद करेंगे और बंद करने के बाद दोबारा चालू कर देंगे। जीपीआर सेटिंग फाइल डिलीट हो गई है और ये रिसेप्शनिस्ट लिस्ट डज नॉट एग्जिट डिफ़ॉल्ट लिस्ट इज क्रिएटेड, उसकी फाइल है वेंडर फाइल। मशीन ऑन हो गई है हमारी। कोई भी एरर आता है दोस्तों इस टाइप का तो आप कुछ नहीं करेंगे, एंटर दबाएंगे बस, एरर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मशीन हमारी फॉर्मेट हो चुकी है। अब इसमें हमें रेट डालने होंगे, अगर आपको नए फार्मर नेम डालने हैं तो वेंडर भी डालने होंगे, और मैं रेट डालने के और वेंडर डालने के लिंक भी डालने की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हम इसकी एक बार सेटिंग चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारी मशीन फॉर्मेट हो चुकी है, हमें कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल न्यू की तरह हो चुकी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।